आसिका पंचायत समिति सभागृह साधारण निर्वाचन पर्यवेक्षक हरिमोहन मीना समीक्षा करिथिले। आयोजित समीक्षा बैठक में वीडियो फकीर चरण पैडा आसिका उपखंड आरक्षी अधिकारी संजय कुमार महापात्र आसिका थाना अधिकारी राजेन्द्रनाथ पटनायक कोटीनडा थाना अधिकारी कृष्णचंद्र साहा कवि सूर्यनगर थाना अधिकारी सुधीर साहू गांगपुर थाना अधिकारी समेत 27 सेक्टर अधिकारी एवं समस्त विभागीय अधिकारी जोग दे आगामी साधारण निर्वाचन में भोटदान व्यवस्था भोटदानर पूर्व एवं परवर्ती अवस्था संपर्क पुंखानुपुंख भाव आलोचना होता विशेषकर पुलिस पक्षर कर 107 मामला और बंदूक जिमा देवा संपर्क चारोटी थानार सूचना जानते से भाई जांच प्रक्रिया निर्वाचन आईन उल्लंघन नापी कड़ा निर्देश संपर्क अवगत कर से भाई भोटदान केन्द्र में शांति श्रृंखला व्यवस्था बूथ को सुनियंत्रित करने भोटदान केन्द्र में पानीय जल व्यवस्था और खरा दाउ रक्षापे टेन्ट पकाइबा भोटदान केन्द्र ठार 100 मीटर परिधि मध्य लोक मानपारे सहयोग दलय एजेंट मानक नियम मानि केन्द्र मध्य रवस्था भोटदाता मैंने जेकोसी परिचय पत्र नहीं भोटदान केन्द्र को आसवाक सचेतनता ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा चिरुकुटी बंटन सांग को पुलिंग केन्द्र को आसवा अधिकारी मानक सुबंदोबस्त करने आलोचना होता यह कार्यक्रम को रामनाथ पटनायक संयोजना करवाही जंत्री कृषि अधिकारी कार्यनिर्वाही अधिकारी सहकारी जंत्री सीआरसीसी समेत अन्य अधिकारी मैंने जोग देते किस बात में बुलाया गया है और क्या स्ट्रक्चर दिया गया एज ए जनरल ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन इंडिया की तरफ से नियुक्त होते हैं तो हमारा दायित्व होता है कि चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष और बिल्कुल बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। आज जो बैठक की है सेक्टर जो ऑफिसर से हैं पुलिस ऑफिसर से कुछ हमारे जो सेल बने हुए हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है FST DST उनके प्रभारियों के साथ बैठक की है और उनको निर्देश यही दिए गए हैं बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में फील्ड में राउंड करें कहीं कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है या कोई ऐसी बात सामने आती है जिससे चुनाव में हमें कोई बाधा हो तो हमारे भी संज्ञान में लाए और समय रहते हुए पूरा चुनाव आचार संहिता है उसका पालन करें। चुनाव के दिन चुनाव से दो दिन पहले क्या क्या तैयारी करनी होती है वो सारे निर्देश हमें दिए हैं और उसको रिव्यू किया है। इसमें नियम्स होता है हमारा एक रूल्स होते हैं कि इस समय फील्ड में जाके हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करानी है। इसके अलावा जब 18 को 18 तारीख से पार्टियां पोलिंग स्टेशन पर पहुँचेंगी तो पोलिंग स्टेशन पे किस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए पोलिंग डे के दिन किस तरीके के इन्हें पूरा मजबूती के साथ में या दृढ़ता के साथ में पोलिंग करानी है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो यही चीज़ें हैं। सर ये वह जो है दूसरा जो आर्म ये दोनों को नजर है बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी FST DST की टीम है कोई कैश जो टीम चेक करती है इसके अलावा ड्रग्स की है लीकर का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो उस पर देखना है पुलिस के द्वारा 107-151 में पाबंदी की कार्रवाई कराना आर्म्स को डिपॉजिट कराना वो सारा रिव्यू किया है। आशिकारु मनोज साहू को रिपोर्ट संघर्ष टीवी।